का टाइम भी नहीं मिलता था और यू नो फिर वही टेंशंस और पूरे एक साल तक हमारी बात भी नहीं हुई अपार्ट फ्रॉम द रेयर फोन कॉल्स ऑन ईद और समथिंग बट देन आई थॉट कम ऑन सारा कांट बी दैट बैड सो आई टुक अ फ्लाइट स्ट्रेट डाउन ताकि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स सॉर्ट आउट हो जाए यू नो ये सब मुझे एक मूवी की तरह लग रहा है बट वन थिंग इज फॉर श्योर आई एम टेकिंग सारा बैक टू द US विद मी सिर्फ 4 महीने की तो बात है एंड देन यू कैन फिगर इट आउट एक्सक्यूज मी Hello. Yeah, hi John. Yeah, I'm actually in Pakistan on a vacation. Yeah, I sent out the shipments right before I came. Okay? Yeah. Take care. Okay, bye. Sorry about that. Office work. Actually, main itni jaldi mein Pakistan aaya ki aadhe office ko to pata hi nahi ki main Pakistan mein hu. Aap kaun si company mein job karte hain? Delta Mobiles? Tum kya karte ho? सारा के साथ हो ना ग्रेजुएट कर रहे हो दिसंबर में जी तो क्या सोचा है जॉब के बारे में एनी प्लान्स फॉर द फ्यूचर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया बट कम ऑन यार दिसंबर इज राइट अराउंड द कॉर्नर यू बेटर थिंक अबाउट योर फ्यूचर जॉब मार्केट बहुत कंपेटिटिव है एनीवेज हमारी शादी में तो आओगे ना क्यों व्हाई नॉट वो एक्चुअली मुझे ग्रेजुएशन के बाद वापस लाहौर जाना है माय मॉम इज वेटिंग एनीवेज हम लोग तो वैसे भी अमेरिका में शादी करें एंड आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड टू सेंड यू अ टिकट बट आप लोग इतने चुप क्यों हो यार हमने खाना भी नहीं ऑर्डर किया ना आई एम वेरी हंग्री शैल वी ऑर्डर वेटर हेलो माय डियर मदर कैसे हो बेटा ठीक हूँ मॉम आप कैसी हैं हाउ इज डैड वो सही है सम्मी तुम्हारी यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया है क्या लिखा है उसमें तुम्हारी स्टडीज के बारे में है तुम सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर रहे हो क्या हुआ बेटा कुछ नहीं मॉम देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस sort them out. Sami, तुम्हारे पापा की तबीयत भी सही नहीं रहती है
छुपा में कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा थक गया हूं, बट आई विल बी ओके। बेटा तुम लाहौर क्यों नहीं आ जाते हो? नहीं मॉम, सिर्फ 3 महीने रह गए और मैं वैसे भी स्टडी छोड़ के कैसे आ सकता हूँ मैं, और उसके बाद तो मैं वैसे भी आप ही लोगों के पास आने वाला हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मॉम अपना ख्याल रखना। Sad for how long? I know the world is mean and nothing stays forever. Saath chalna seekho. I know you feel guilty aur tumhe afsos hai ki Zain is university se expel ho gaya. But for how long? Ma'am, thanks for trying to help me. Samajh nahi aata kya karu. Shayad main Zain se cheating kara deta to ये नौबत नहीं आती। अगर मैं डरता था कि टीचर्स ना पकड़ ले, और यही हुआ। उस दिन टीचर्स और पेरेंट्स ने इतनी मुश्किल चॉइस मेरे सामने रख दी कि मैं उससे भाग कर जाता तो कहाँ जाता। I've let my parents down, my friends down, my teachers down, and I've even let myself down. Then Sara, you have not let anyone down. I know Zain tumhara bahut acha dost tha, usne tumhari bahut madad ki. He was always there for you. Magar examination wale din he was very irresponsible. Khud to wo risk le raha tha aur tumhe bhi force kar raha tha. And then Sara, I've heard ki uska fiance usse milne aaya hua hai. Don't tell me. Sami, abhi tum bahut young ho. You have a lot more to accomplish in life. जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। मैम आप ठीक कहती हैं। You know, मेरी life एक downward spiral में फंस गई थी, tangle हो गई थी। मैं उसे निकल नहीं पा रहा था। लेकिन अब मुझे concentrate करना पड़ेगा अपनी studies पर, मेहनत करनी पड़ेगी। तभी मैं इस university से अच्छी तरीके से graduate हो सकूँगा। Sara, what about her? Yeah, what about her? Life doesn't end here, right? I work hard. I'll try to succeed. Good. But I better leave now. And by the way, change your shirt, because you smell horrible.